नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 16,000 उद्यमियों के बारे में और इनके खाते में आएंगे 10 लाख रुपए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के 16,000 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए इन सभी 16,000 लाभार्थियों को बिहार के उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये लोन और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस तरह हर चयनित उद्यमियों को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि बिहार सरकार ने सभी लाभुकों का सूची जो है वह जारी कर दिया है। 16,000 उद्यमियों के चयन की बात करें तो इसका चयन मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अति पिछड़ा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत हुआ है। बता दें कि इन योजनाओं के तहत 62,324 आवेदन आए थे। इसके बाद इनकी जाँच की गई, जिसके बाद 42,477 आवेदकों की सूची तैयार की गई। इसके बाद इस आवेदकों को NIC द्वारा तैयार विशेष सॉफ्टवेयर में बदला गया। फिर कंप्यूटराइज लॉटरी के जरिए 16,000 लाभुकों को चयन किया गया। बता दें कि यह चयन प्रक्रिया लाइव प्रक्रिया के तहत की गई थी, जिसके तहत एक तरह से कह लें कि उद्योग विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी थे वो सब वहां पे मौजूद थे। इस दौरान बोलते हुए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने जो वादा चुनाव के समय किया था उसे पूरा करने की तरफ यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि हमने 16,000 युवाओं को 10 लाख रुपये लोन के रूप में दिए, जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान राज्य सरकार करेगी। इससे राज्य में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अच्छे से काम कर रही है, विपक्ष जो सपने देख रही है वो पूरे नहीं होने वाला। हम 2025 तक सरकार चलाएंगे। नीतीश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नीतीश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि 16,000 अभ्यर्थी अगर कम से कम 10 को भी अपने उद्यम में यानी कि अपने रोजगार के तहत उन्हें रोजगार देने में सफल रहे तो एक साल में बिहार में 1,60,000 लोगों को रोजगार मिलने का प्लॉट जो है वो तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सफल अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद के साथ साथ उद्योग को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जब भी मदद की ज़रूरत होगी उनका विभाग पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग में बिहार को नंबर वन बनाने की मुख्यमंत्री की जिद पूरी होगी। तो एक तरह से कह लें बिहार सरकार उद्योग के मामले में बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार सतत है। इस दौरान बोलते हुए उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिन आवेदकों का आवेदन निरस्त हुआ है उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो अगले साल से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि निरस्त हुए सभी आवेदकों को SMS या फिर ईमेल के जरिए पूरी सूचना दी जाएगी कि उनका आवेदन निरस्त क्यों हुआ, ताकि अगले साल वो सावधानी से आवेदन को भर सकें और वो भी अपना बिजनेस जो है एक बार फिर से आगे बढ़ा सकें। तो एक तरह से कह लें बिहार सरकार लगातार जो है उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर आगे अग्रसर है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें सैयद शहनवाज हुसैन की, तो शहनवाज हुसैन लगातार बिहार में उद्योग को लगाने को लेकर और उद्योग का कैसे विकास हो इन सब चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ते रहे हैं। इसी कड़ी में जो है 16,000 नए उद्यमियों को लाने की बात जो है वो कही गई है, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये की अनुदान राशि भी दी जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़े और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।